अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई तो इस देश में गृह युद्ध जैसे हालात, पॉपुलेशन अगर कंट्रोल नहीं हुई तो लोगों को पीने का, पॉपुलेशन अगर कंट्रोल नहीं हुई तो इस देश में, अगर कंट्रोल नहीं हुई तो इस देश में युवा शिक्षित, पॉपुलेशन अगर कंट्रोल नहीं हुई तो इस देश में किसी को पीने को पानी, पॉपुलेशन अगर कंट्रोल नहीं हुई तो चलने को सड़क, सड़क कंट्रोल नहीं हुई तो हमें ट्रेन में सीट। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ हैं सेव इंडिया जन फाउंडेशन के संस्थापक राजेश शर्मा, जो एक मुहिम चला रहे हैं जनसंख्या को लेकर, एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, लगातार लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। और लंबे समय तक दिल्ली में भी उन्होंने एक कैंपेन चलाया, जहां सांसदों को ज्ञापन दिए, सांसदों से प्रतिनिधिमंडल जाकर मिला और मेरठ से दिल्ली तक एक पदयात्रा भी निकाली जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। राजेश शर्मा जी से बात करते हैं, आइए कि वो क्यों ये मुहिम चला रहे हैं और इसकी क्या अहमियत है। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप सर? मैं अच्छा हूँ, आप बताओ कैसे हैं? ये जो मुहिम है सेव इंडिया जन फाउंडेशन की, ये क्या है, थोड़ा हमें बताइए आप। सेव इंडिया जन फाउंडेशन तो एक संस्था है और इसके माध्यम से हम लोगों ने पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर एक बड़ी मुहिम चला रखी है। क्यों आप पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हैं? आज जब हम देखते हैं पूरे देश की स्थिति, गांव की स्थिति, शहरों की स्थिति, टाउन की स्थिति, तो हमें लगता है कि हमारे देश में जितनी पॉपुलेशन है इतने संसाधन नहीं है। और अगर प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि मानव जनसंख्या तो मानव श्रम शक्ति है, संसाधन है, वो देश का ताकत है। नहीं, ये तो हम मानते हैं कि जनसंख्या श्रम शक्ति है, पर जब उसके हाथ में रोजगार होगा तभी तो शक्ति है। जब रोजगार नहीं होगा तो ये तो इतनी बड़ी महामारी का रूप ले सकती है। जब उनके हाथ में रोजगार नहीं होगा तो उल्टे पुल्टे काम करेंगे। आज अगर हम देखें पूरे देश में, जब हम देखते हैं कि हर स्टेट वार जितने भी स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा है, आप देखो पूरा आंकड़ा, पूरा NCR का आंकड़ा होगा, नेशनल क्राइम ब्यूरो का, कि जितने भी बड़े स्टेट हैं जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ क्राइम का रेशो बहुत ज़्यादा है। और क्राइम की एकमात्र वजह ये नहीं है कि कोई शौक में क्राइम कर रहा है, ये तो 0.1% ऐसा होता है कि कुछ लोग शौक या गलत काम करते हैं, उनके हाथ में रोजगार नहीं है, रोटी उन्हें नहीं मिलती, बच्चे बीमार हैं। नहीं तो रोजगार देना चाहिए ना, काम दीजिए आप लोगों को, जनसंख्या कम करने का क्या मतलब? देखिए ये तो सरकारों का काम है। 1900 जब से देश आज़ाद हुआ जी, आप देखिए जब देश आज़ाद हुआ तो ऐसे नहीं कि हम बहुत ज्ञानवान हैं, हम अपने आप को ज्ञानवान नहीं बताते, और हम ये भी नहीं कहते कि जो सरकारें हैं, सरकारों में बैठे हुए लोग हमसे ज़्यादा ज्ञानवान हैं। आप चाहते क्या हैं, होना क्या चाहिए? जनसंख्या पे जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए। आप देखो कैसे होगी, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जी। जब हमारे देश में, मतलब 1952 की बात है, इधर आप क्या चाह रहे हैं, आप सरकार से कोई कानून बनवाना चाहते हैं? हम सरकार से चाहते हैं, लगातार 6 साल से जो लगातार हमारी मांग चल रही है, हमने सरकार से लगातार यही मांग पत्र दिया है कि इस देश में दो बच्चों का कानून बनना चाहिए। और चूंकि हमें लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आराम से प्यार से नहीं मानेंगे, हालांकि बड़ी आबादी ऐसी है देश में कि जो इस समय पॉपुलेशन कंट्रोल की ओर चल पड़े, पर लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, इतनी बड़ी आबादी है, वो बिना डर के पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमारी सरकार से मांग है कि सरकार हमारे देश में दो बच्चों का कानून लाए, और दो बच्चों का भी ऐसा कानून लाए कि उसमें ऐसा ना हो कि भाई दो बच्चे हैं, अगर मान के चलो कि किसके दो लड़की हैं, बहुत ये सब किदवंती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अगर बेटा नहीं होता तो ये नहीं होता, वो नहीं होता, बहुत सारे विचार हैं। हमारा मानना है कि अगर, अब तो बेटा बेटी एक समान है, अगर किसके दो बेटी हैं तो सरकार उसे कुछ ऐसी, मतलब सहानुभूति के रूप में उन्हें कोई ऐसा पेंशन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बेटा ये माना जाता है कि वो बुढ़ापे की लाठी होता है माँ बाप के लिए, और अगर दो बेटी हैं, बेटी की शादी हो जाएगी तो हमने कई बार मांग पत्र दिया है। 2 अक्टूबर को हम लोगों ने एक बड़ा मूवमेंट, मतलब मेरठ से दिल्ली तक एक यात्रा निकाली थी, उसमें हजारों लोग थे, वहाँ भी हमने यही अपने मांग पत्र में दिया था कि आप जनसंख्या में दो बच्चों का कानून लाओ, और जिसके दो लड़कियाँ हैं उसे आप पेंशन की व्यवस्था करो, जब बेटी की शादी हो, माँ बाप बुजुर्ग हों तो आप उन्हें पेंशन दी जाए, ताकि उन्हें ये एहसास ना हो कि हमारे बेटा होता तो हम इस हाल में बेरोजगार या रोटी। आपको क्या लगता है क्या दिक्कत है जनसंख्या ज़्यादा होने से? जैसे हमारे पड़ोस का देश है चाइना, उसकी पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, लेकिन डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे है, और लगभग हमारे साथ ही, बल्कि हमारे बाद ही वो आज़ाद भी हुआ।
मैं बताऊं, अगर ये कंपैरिजन करके देखते हैं कुछ लोग, तो वो कहते हैं कि पॉपुलेशन कोई इसमें बैरियर नहीं है, पॉपुलेशन तो एक स्ट्रेंथ है और हम कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके इस्तेमाल में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन में और पब्लिक पार्टिसिपेशन में। देखो, आपने चाइना की बात की तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की पॉपुलेशन लगभग 35 करोड़ थी जी, और उस समय चाइना की पॉपुलेशन 1948-49 के आसपास चाइना की पॉपुलेशन लगभग 45 करोड़ थी जी। 1952 में हमारे देश की संसद ने पहला नारा दिया, हम दो हमारे दो का। उस समय दुनिया में कोई पॉपुलेशन की बात नहीं करता था जी। जब 1952 में भारत की संसद में ये पहला नारा लगा कि हम दो हमारे दो, उन्होंने सोचा कि इस समय देश में संसाधन कम है, जाहिर सी बात है जब देश आज़ाद हुआ, बंटवारा हुआ तो संसाधन भी कम होंगे। उन्होंने कहा कि जिस रेशो में हमारी पॉपुलेशन है तो हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा और धीरे धीरे संसाधन हमें रिसोर्स तैयार करने पड़ेंगे ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। और 75, 76, 77 के दौर में सरकार ने ये मान लिया कि अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, चूँकि उस समय 35 करोड़ से लगभग 67-68 करोड़ की पॉपुलेशन हो गई थी। उन्होंने कहा कि डबल पॉपुलेशन होगी हमारी पिछले 20-22 साल में, और 20-22 साल में डबल पॉपुलेशन हुई, संसाधन हमारे पास कम थे। आप देखो, जब हमारे देश में नसबंदी का कार्यक्रम चला कि भाई नसबंदी कराई जाए, वो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था, वो तो विपक्ष में जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि ये इसमें कामयाब ना हो जाए और लोगों को भड़काने का काम किया। उस समय एमरजेंसी भी लगी, हालांकि जैसा लोग बताते हैं हम उस समय नहीं थे, जैसा बताते हैं ऐसा कंपेन नहीं था, ये सब पॉलिटिकल चाल थी कि उस कंपेन को बंद कर दिया गया। अदरवाइज अगर वो कंपेन पूरा हो गया होता तो आज हम, आपको क्या लगता है कि सरकार इस कानून को लागू क्यों नहीं करती है? किसी भी दल की सरकार हो वो लागू करने से हिचकती है? लागू दरअसल इसमें लोग मानते हैं कि ये कि क्योंकि ये भारत बहुसंख्यक ये हिंदू बहुल देश है, कुछ लोगों को ये लगता है पॉलिटिकल कि भाई अगर ऐसा हुआ पॉपुलेशन कम होगी, जो दो और दूसरे धर्म के लोग हैं उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ समझदार लोग हैं। आप देखिए, पॉपुलेशन का इशू ना हिंदू का है, ना मुस्लिम का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है। अगर इसे तो इसलिए नहीं करना चाहते पॉलिटिकल लोग, क्योंकि इसको जो है इसको डाइवर्ट कर देते हैं, इसे धार्मिक आधार पर ले जाते हैं, जबकि धार्मिक आधार का मामला नहीं है। आने वाले समय में हमारा एजेंडा है कि चूँकि अभी कोरोना का प्रकोप था तो इसलिए हम लोग थोड़ा शांत थे, सड़कों पर नहीं आए, बहुत ज़्यादा इतनी मीटिंग नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को लगातार जागरूक करते रहे। अब हमारा आने वाला जो देखते हैं, अगर कोरोना में सरकार ने छूट दी तो हम लोगों का नवंबर में एक दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम है, दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे और वहाँ एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री के नाम देंगे। इसके अलावा जनवरी से हमारा मार्च बड़ा शुरू होगा, बड़ा अभियान शुरू होगा। हम जनवरी में क्रांति धारा मेरठ से लगभग 6-7 हज़ार युवाओं की टोली होगी जो पहले मेरठ में मार्च निकालेगी, और मेरठ के बाद में फिर हमारा 5 दिवसीय एक प्रोग्राम मेरठ से दिल्ली तक होगा। क्या आपको उम्मीद है कि सरकार आपकी बात सुनेगी, सरकार इसको सीरियसली लेगी? आपकी कुछ सांसदों से भी मुलाकात हुई, उनको आपने मेमोरेंडम भी दिए, तो वो क्या बताते हैं, क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, ये जो अक्टूबर नवंबर 2019 में जो संसद सत्र था उसमें हम लोगों के 2-3 प्रतिनिधिमंडल थे, हम लोग राज्यसभा और लोकसभा 492 सांसदों के हम घर पहुँचे और हमने दिल्ली घर जाके उन्हें ज्ञापन दिया, उनसे अनुरोध भी किया मांग पत्र देते हुए कि आज देश में सबसे बड़ी समस्या पॉपुलेशन की है। आप देखिए कि ये हमारा दुर्भाग्य है क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है, देश की आज़ादी के लगभग 70 साल बीतने को हैं, हम लोग अभी तक विकासशील देश के नागरिक हैं, जो जितने भी देश दुनिया में हमारे बाद 2-4 साल बाद या हमसे 2-4 साल पहले आज़ाद हुए वे तमाम राष्ट्र विकसित हैं। आप देखो, चाइना की आपने बात की थी, मैं आपको चाइना के बारे में बताना चाहता हूँ। आप देखिए कि चाइना 1980 के दशक में 75 के दशक में चाइना ने कहा कि वास्तव में पॉपुलेशन बड़ी समस्या है, और ये लगातार 10-20 साल पहले भारत ने इसको आगाह कर दिया था। उन्होंने एक आकलन किया, एक पूरी कमेटी बनाई और कमेटी बना के 3 साल तक इस पर एनालिसिस किया पूरा कि आप ये बताइए कि अगले 20 साल में, उन्होंने कहा कि इस समय चाइना की पॉपुलेशन लगभग 90 करोड़ है, अगले 20 साल में पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी। तो वहाँ जो विशेषज्ञ थे, एक कमेटी बनी, उसमें लगभग 2 साल तक सर्वे हुआ, हज़ारों लोगों से बातचीत की, और जो और एक्सपर्ट थे अलग अलग डिफरेंट सेगमेंट के, उन लोगों से बात की, तो उन्होंने ये माना कि अगर पॉपुलेशन पर हमने ध्यान नहीं दिया तो अगले 20 साल में बोले चाइना की पॉपुलेशन लगभग 125 करोड़ हो जाएगी, और जब 125 करोड़ पॉपुलेशन होगी तो उस पर देश का खर्च कितना होगा। जब ये टोटल सर्वे हुआ तो चीन को लगा कि
अब हम सख्ती से पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं। और जितना पैसा हम ये मानते हैं कि भाई अगर 20 साल बाद भारत चीन की पॉपुलेशन 125 करोड़ होगी तो 125 करोड़ लोगों पे इतना देश का खर्च होगा। उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं और जितना पैसा 20 साल में खर्च होता है इतना पैसे का बजट बना के अभी जो युवा हैं हम इन्हें युवाओं को उद्योग क्यों ले जाते हैं, इतना सारा पैसा संसाधनों में खर्च करते हैं ताकि लोगों को रोज़गार मिले। और वही सोच थी 85 की कि उसी सोच ने पॉपुलेशन को रोक दिया। जो उस समय लोग थे वो जितना पैसा अगले 20 साल में पॉपुलेशन पे खर्च होता देश का इतना पैसा उन्होंने पिछले उसी दौरान एक दशक में उद्योग पर खर्च कर दिया। और जब एक परिवार में 15-15 लोग हैं, कमाने वाले दो दो लोग हैं, उनके खर्च नहीं हो पा रहे, संसाधन उनके पास इतने नहीं हैं कि वो आराम से अपने बच्चों की फीस दे सकें, आराम से एक अच्छा मकान बना सकें। मैं डॉक्टर साहब एक अब मेरी जो महत्वपूर्ण बात है मैं जो कहने जा रहा हूँ आपसे, आप देखिए पॉपुलेशन क्यों ज़रूरी है। आज अगर हम आज पर्यावरण की बात करें कि पर्यावरण प्रदूषित है तो इसके पीछे एकमात्र पॉपुलेशन है। एग्रीकल्चर तो कोई रबड़ नहीं है, लगातार बढ़ती जाएगी, लगातार परिवार बढ़ते जा रहे हैं और एग्रीकल्चर लैंड सिकुड़ती जा रही है। आप बताइए अगर हम पिछले 20-30 सालों की बात करें तो पिछले 20-30 सालों में टोटल जो देश की आज़ादी में जब हम कहते थे कि भारत कृषि प्रधान देश है, जितनी टोटल 1950 में टोटल एग्रीकल्चर लैंड थी उसकी 17% लैंड 70 साल में आवास में तब्दील होगी, वहाँ लोग आवास बनाकर रहने लगे। वन लगातार कटते जा रहे हैं। आप बताइए जल, लगातार हम जल की बात कर रहे हैं कि जल के जल संरक्षण में बात करें, पिछले 70 साल से लगातार सरकारी जल संरक्षण पर काम कर रही है। मुझे आप बता दो कि 70 साल पहले जो वादा किया था सरकार ने जब शुरुआत हुई थी कि भाई जल संरक्षण हो, क्या आज जल संरक्षित है? जल कितना प्रदूषित हो गया? लगातार जो इतना पैसा खर्च हो रहा है सरकार का, ये सब इसलिए हो रहा है कि पॉपुलेशन इतनी है, लोग अपनी मर्जी से निकल जा रहे हैं। और ये सब विद्वेष के कारण भी है, लगातार दंगे हो रहे हैं, इसकी भी एक वजह है। मेरा मानना है कि भारत सरकार एक बार टू चाइल्ड पॉलिसी लागू तो करे। हम कहते हैं कि अगर 20 साल बाद ऐसी स्थिति है तो आप थ्री चाइल्ड पॉलिसी लागू कर लेना। इसलिए ये थे राजेश शर्मा जी, इन्होंने बड़े सवाल उठाए हैं। वो कह रहे हैं कि इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है पॉपुलेशन के बर्डन से, और मानव का जितना हस्तक्षेप इकोसिस्टम में होता है उतना हवा पानी इनकी जो ज़रूरतें हैं और इनके पोल्यूटेड होने की जो रेशो है वो बढ़ती जाती है। तो अगर देश को विकास की तरफ ले जाना है तो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी, टू चाइल्ड पॉलिसी पहले इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, वो फिर उसको सिंगल चाइल्ड पॉलिसी तक ले जाने की बात करते हैं। तो उनके ये सवाल हैं बड़े जो सरकार से हैं, वो मुहिम चला रहे हैं लगातार। हम आपको और अपडेट्स देंगे और पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के जो मुहिम चल रही है उस पर और एक्सपर्ट से आपकी बात कराएंगे भविष्य में। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को देखते रहिए, बेल आइकन सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार, धन्यवाद।